हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया धानका और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे गणपति मनाया जाता है बैंगलोर में। तो मैं आज गई थी AECS लेआउट, जो कि मारथली के पास है बैंगलोर में। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन एंड काफ़ी अच्छा पंडाल सजाया जा रहा है, तो मैंने उसकी कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं आगे, तो आप भी देखिए एंड देखिए बैंगलोर में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है गणपति। बहुत ही प्यारी सजावट हो रखी है ACS लेआउट में एंड मैं अभी गणेश जी के मंदिर आई हुई हूँ, जो कि श्री वरसिद्धि विनायक टेम्पल ट्रस्ट ने खोला है। ये बहुत ही अच्छा टेम्पल है, अंदर से मैं कल गई थी एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर सजावट हो रखी है कल के लिए। ये पूरी मंदिर की सजावट हो रही है बहुत अच्छी। कल सुबह के लिए बहुत सुंदर सा लोटस का फूल है ये एंड आगे बहुत सारी शॉप्स लगे हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि कैसे होता है, और एक भैया गणपति लेके जा रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा है। यहाँ पे बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं एंड ये जो पंडाल सजाया जा रहा है काफ़ी प्यारा है। सो आई थिंक ये 25 साल से पंडाल सजाया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 25th एनिवर्सरी गणेशा सेलिब्रेशन। एंड आप भी यहाँ डोनेट कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर पंडाल सजाया जा रहा है, यहाँ मैं कल जाऊँगी। एंड ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखी है। यहाँ पे ऐसे शॉप है, क्लचर्स, बैक पिन एंड ऑल ईयरिंग्स वगैरह की, फ्रूट्स मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं सजावट के लिए, रेड, येलो, बनाना का पत्ता मिल रहा है, केले का पत्ता लगाते हैं पूजा में, एंड गन्ना मिल रहा है, नारियल मिल रहा है। सब लोग ऐसे पत्ते ले लेके अपने घर जा रहे हैं, जिन्होंने भी अपने घर पे गणपति रखी होगी इस बार के लिए। काफ़ी भीड़ है, मुझे नहीं पता था कि बैंगलोर में भी इतना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे, आप भी कल आइए और गणपति सेलिब्रेट करिए ऐसे पंडाल में। ये मैं ACS लेआउट में हूँ, जो कि मारथली के आगे है। बहुत ही सुंदर लाइटिंग की हुई है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं हर एक साइज की। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा माहौल बना हुआ था एंड काफी मजा आ रहा था। तो उसके बाद मैं गई ऐसे मैगी खाने, तो हम पहुंचे एक शॉप पे जिसका नाम था फ्रस्ट्रेटेड ड्रॉपआउट। तो ये कुछ इंजीनियर्स जो कि इंजीनियरिंग से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं एंड उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया है कॉलेज से, तो उन्होंने एक शॉप खोली है जहाँ पे मैगी और चाय मिलती है, काफ़ी अच्छे से हाइजीनिक तरीके से वो बनाते हैं। तो उनके वहाँ पे ऐसा पोस्टर लगा था, तो ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा है क्रिप्टो एक्सेप्टेड हियर, तो ये ऐसे ही उन्होंने लगा रखा है एंड इस पर बहुत सारे मीम्स बने हैं ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो
इट वॉज एन अमेजिंग प्लेस, यू गाइज मस्ट विजिट। तो चलिए गाइज, मैं आपको लेके चलती हूँ उस शॉप पे, एंड आप खुद ही देख लीजिए कि वो कितनी मज़ेदार जगह है। भैया बहुत ही प्यार से चाय बना रहे हैं कुल्हड़ के, क्या कहते हैं इसको भैया, कुल्हड़ का क्या है ये, मटका। मटका तो वो बड़ा वाला होता है ना, ये छोटा वाला भी मटका होता है। अच्छा, एंड यहाँ पे क्रिप्टो एक्सेप्टेड है, सो गाइस यू नो व्हाट टू डू। एंड यहाँ गरम गरम मैगी बन रही है। कोई तो नहीं है, मैगी देंगे। हमारी गरम गरम टेस्टी टेस्टी मैगी रेडी हो गई है। ये शुभम भैया से, वो हमें अभी कुछ बताएंगे। भैया क्या बोल रहे थे? इंटर्नशिप चाहिए तो है। इंटर्नशिप? हाँ, ओपन है यहाँ पे वैकेंसीज। वैकेंसीज है? ओके, कितने लोगों की वैकेंसी है भैया? अरे तुम आओ तो सही। मल्टीपल वैकेंसीज है। चलिए भैया, मिलके अच्छा लगा। आप जो भी आएंगे यहाँ पे, आप शुभम भैया से मिलके जरूर जाइएगा। एंड ये भैया बहुत ही प्यार से बहुत अच्छी चाय बना रहे हैं, देखिए। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डेकोरेशंस जो कल के लिए हो रही हैं। कल 31 अगस्त है एंड कल ही गणपति है, तो बैंगलोर में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो मैं आपको कल पूरा पंडाल दिखाऊंगी। आज मैंने आपको दिखाई कैसे डेकोरेशंस हो रही हैं एंड कैसा मार्केट लगा हुआ है। होप आपको मजा आया हो। अगर आपको मजा आया हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। उन्होंने मना नहीं किया मंगलवार को?